हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि सब मेरे चैनल पे आके वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हम आपके लिए लेके आए हैं, ये हमारा है यूरिनल सेंसर, जो हमारा यूरिनल बोर्ड पे लगता है ऑटोमेटिक के लिए। तो इसके कौन कौन से पार्ट हैं और ये हमारा जो है असेंबल कैसे होगा और इसकी फिटिंग कैसे होगी, इसके बारे में बताएंगे पार्ट टू पार्ट। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन चार्ट दिया हुआ है, आप इसकी हेल्प से देख सकते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट हैं और इलेक्ट्रिकल यूनिट कौन कौन सी लगी हुई हैं। तो ये इनके इंस्ट्रक्शन चार्ट है। ये हमारी है सेंसर प्लेट है, ये हमारा अंदर वाला बॉक्स है, ये बैटरी बॉक्स है, ये हमारा अडप्टर है और ये हमारी प्लेट है कवर करने के लिए। जैसे कि उसमें आपने देखा है, ये हमारी प्लेट है कवर करने के लिए। इसके साथ उन्होंने दिए हुए हैं चार स्क्रू दिए हुए हैं कसने के लिए, एक वॉशर दी हुई है आधी की और ये एक उन्होंने ये शीट को उठाने के लिए दिया हुआ है। ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यूज होगा आपका। ये हमारी है यूरिनल सेंसर प्लेट है। ये हमारा बैटरी बॉक्स है। ये हमारा एसी डीसी अडप्टर है। और ये हमारा मेन बॉक्स है। इसके अंदर ये लगा हुआ है सोलेनोइड वॉल्व लगा हुआ है कि जब सेंस करेगा तो यहाँ से मोटर चलती है, वो जो वाल्व होता है ऊपर आ जाता है। और एक इन्होंने अच्छी बात की है, यहाँ पे नट दिया हुआ प्रेशर के लिए, आपको जितना भी पानी का प्रेशर चाहिए इससे एडजस्ट कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा, जो कई बार क्या होता है यूरिनल में एक बार जितना भी पानी होता है टैंकी में फ्लश हो जाता है, तो इससे क्या होगा पानी का प्रेशर कम रहेगा, उसके हिसाब से पानी कम वेस्ट होगा। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये दो पार्ट दिए हुए हैं, ये वाटर इन और वाटर आउट। जो इन वाला पार्ट है ये हमारा ऊपर वाली साइड रहेगा, तो ये वॉशर इसके लिए दी हुई है उन्होंने, जब कनेक्शन होगा ये पार्ट ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। और ये साइड में इन्होंने दो कनेक्शन दिए हुए, इस साइड और इस साइड। इसका क्या पर्पस है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। हमेशा ये चीज़ याद रखना, जो इन वाला है वो ऊपर रहेगा और आउट वाला नीचे रहेगा। तो इतना एरिया जो हमारा है ये ग्रुप तक, ये हमारा दीवार में चला जाएगा टाइल लगने से पहले, प्लास्टर होने से पहले। तो उस प्लास्टर होने के बाद सिंपली क्या करना है, इसको हमने बंद कर देना है। ये हमारे चार जो नट हैं इससे ये बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, कोई भी सीमेंट जब हम प्लास्टर करेंगे सीमेंट नहीं अंदर जाएगा, और हमारा इसमें कोई जैसे कि सीमेंट नहीं जाएगा, मिट्टी जो भी कुछ कचरा है इसके अंदर नहीं जाएगा। ये अंदर वाला जो पार्ट है सेंसिटिव है, ये सेफ रहेगा। तो जब टाइल लग जाएगी, टाइल हमारे आएगी इसके बराबर,
यहाँ तक हमारा प्लस्तर रहेगा और इसके ऊपर तक यहाँ तक हमारी टाइल लगेगी। तो ये वाला हमारा सक्शन वाला पार्ट दिया हुआ है इन्होंने कि ये जो प्लेट लगी हुई है सेंसर की, ये भी हमने इसके ऊपर लगानी है और इसमें कोई स्क्रू की जगह नहीं है, वो इसके नीचे है। ये देख सकते हैं 1 2 3 4, ये इसमें लगा के आप इसकी प्लेट उठा लीजिए। इसके नीचे इन्होंने दिया हुआ है मैग्नेट 1 2 3 4, ये ऐसे ही मैग्नेट के साथ लग जाएगी और आपका ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा। ये हमेशा पार्ट ऊपर वाली साइड रहेगा, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना है। तो ये हमारा इसके ऊपर आएगा और उसके बाद हमारी ये वाली प्लेट लग जाएगी ऊपर। तो अब इसकी फिटिंग कैसे होगी, ये हमारा जो यूनिट है एसी-डीसी, इस पर इन्होंने लिखा हुआ है बैटरी और ये सेंसर का, सेंसर वाला हमारा आ जाएगा इस साइड में और जो बैटरी वाला है वो हमारा आएगा बैटरी वाली साइड में। ये हमारा बैटरी वाला है और बैटरी में हमारे 4 सेल पड़ेंगे 1 2 3 और 4। ये हमारा बैटरी इसलिए दी हुआ इन्होंने कि बाई चांस आपकी लाइट चली जाए तो ये आपके सेल पे चलता रहेगा, कि ये आपका बंद नहीं होगा, बाई चांस होता है लाइट चली जाती है। तो इन्होंने ये हमारा जो कनेक्शन है हमारा, ये इसके सोलेनोइड वाल्व के साथ लगेगा और ये जो इन्होंने एक्स्ट्रा 2 तारें दी हुई हैं, ये हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके लिए दिया हुआ है। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा और ये वाले पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये इन्होंने इसीलिए दिए हुए हैं कि ये आपका प्लस्तर होने से पहले ही आपको पाइप डालनी पड़ेगी कनेक्शन देने के लिए। उसके बाद क्या होगा, ये जितने भी पार्ट हैं ये सारे इसके अंदर ही रहेंगे। ये वाली वायरिंग, अगर आपका लेफ्ट साइड अगर बॉक्स है तो लेफ़्ट साइड से आप वायर निकाल सकते हैं, अगर राइट साइड पे आपका कनेक्शन है तो राइट साइड से निकाल सकते हैं। और इसको सिंपली क्या करना है, इसके अंदर रख के सारे पार्ट्स, और ये आपका सेंसर है जो ये आपका ऊपर वाली साइड को आपका ऊपर वाली साइड आ जाएगा। और उसके बाद सिंपली क्या करना है, इसके आपने ये चारों ही कनेक्ट नट है जो लगा लेने हैं टाइट करके लगा के, और उसके बाद सिंपली ये जो हमारी प्लेट है ये आपकी ऊपर आ जाएगी। ये आपका ऐसे फिट हो जाएगा, ये आपका ऊपर रहेगा, ये वॉशर आ जाएगी। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि हमारा जो यूनर सेंसर है कैसे लगेगा, और ये हमारा पब्लिक टॉयलेट, रेस्टोरेंट और हमारा मॉल्स वगैरह में लगता है। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।